Hi students, hope you all are fit and fine. And today I am back with the third part of your video related to the last lesson from your book Flamingo, right? And before we start our session, I would like to welcome you all on behalf of Don Bosco School again to get some good information regarding the third part, and hope you are doing good. Give me suggestions regarding your studies. If you are studying the part, give me your suggestions also, right? So let us find out that what happened till now in the second part. तो हम लोगों ने ये देखा था कि हमारे सेकंड पार्ट में जब हमने शुरू किया था तो बात चल रही थी कि कैसे फ्रेंड्स की क्लासेस शुरू हो रही थी. वहाँ पर सिचुएशन क्लास की क्या थी. उस क्लास में मिस्टर एम हैमल बहुत पोलाइटली लोगों से बातें कर रहे थे और वहाँ पर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की. बच्चे से सवाल पूछा. वो बेटा जो था फ्रेंच, वो खड़ा हुआ, लेकिन उसके पास एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं थी. वो वहाँ पर बिल्कुल शर्मिंदा हो जाता है. वो चुपचाप वहाँ खड़ा हो जाता है, एक भी शब्द नहीं बोलता. ऐसे कंडीशन में मिस्टर हेमल उसको कहते हैं कि बेटा, तुमको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुमको डांटूंगा नहीं. और रही बात, ये गलती तुम्हारी नहीं है, ये बेसिकली तुम्हारे मम्मी पापा की गलती है, तुम्हारे फादर मदर की प्रॉब्लम है कि वो तुमको पढ़ने के लिए उतना ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करते जितना कि वो ये चाहते हैं कि तुम खेतों में काम करो, तुम मिल्स में जाकर काम करो, सो दैट उनके फैमिली की कुछ अर्निंग इम्प्रूव हो जाए. और कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के लिए मैं भी जिम्मेदार हूँ, क्योंकि मैं भी तुम लोगों को पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करता था. और मैं जब भी फिशिंग के लिए मुझे जाना होता था, उनमें मैं फिशिंग के लिए जाता था और तुम लोगों की छुट्टी कर देता था. मैं तुम लोगों को अपने गार्डन में वाटरिंग करने के लिए भेज देता था. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं तुमसे करवाता था. तो ये अगर तुमको चीज़ें नहीं आ रही हैं तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ तुम ही लायबल नहीं हो, ये लायबिलिटी हमारी भी है, मतलब तुम्हारे पेरेंट्स की और मेरी. फिर उन्होंने अपने ग्रामर का लेसन पढ़ाया और उस लेसन को फ्रेंड्स ने बहुत अच्छे से समझा. और उसने ये कहा कि हमारे टीचर ने जो भी लेसन हमें पढ़ाया आज, वो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया. और शायद इसलिए भी कि मैंने उस पर अपना कंसंट्रेशन पे किया, अटेंशन पे किया, जिसकी वजह से मैं उस चीज़ को समझ पाया. और जहाँ तक बात करें हमारे टीचर की, मिस्टर एम हेमल की, वो शायद इतने पेशेंस के साथ उन्होंने हमें इसके पहले पढ़ाया भी नहीं था. तो वो सारी चीज़ें वो समझ रहा था. इन सब चीज़ों को काम करते हुए वो समझा कि चीज़ों को समझना, चीज़ों के ऊपर काम करना बड़ा अच्छा लगता है. और उस दिन, उस ग्रामर लेसन के बाद उनका जो सेशन था वो राइटिंग का सेशन था. राइटिंग के सेशन में जो उस क्लासरूम का एनवायरनमेंट था, इट वॉज कंप्लीटली इन साइलेंस. नॉट अ सिंगल वॉइस वॉज मूविंग ओवर देयर. और कहते हैं कि वहाँ पर केवल पेपर पर पेन के स्क्रैचिंग की आवाज़ आ रही थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं. एक बार तो उस कमरे में एक बीटल घुस आया, एक कीट जिसको बोलते हैं, वो उस क्लास में चला आया. लेकिन उस क्लास की सिचुएशन ऐसी थी कि लोगों ने उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया. इवन उस क्लास में जो सबसे छोटा बच्चा था, जो फिश एंकर बनाने की कोशिश कर रहा था, उसका भी ध्यान उस बीटल की तरफ नहीं गया. लेकिन तभी फ्रेंड्स को उस क्लास के छत के पास वहाँ मुंडेर पर उसको कबूतर के कूकने की आवाज़ सुनाई दी. और उस आवाज़ को सुनकर फ्रेंड्स के दिमाग में एक सवाल आया कि क्या ये इस कबूतर को भी जर्मन में गाने के लिए बाध्य कर पाएंगे, या ये सारा प्रेशर हम ही लोगों के ऊपर है. अब पिछले 40 सालों से एक ही जगह पर मिस्टर हेमल काम कर रहे थे, तो
फ्रेंड्स ने बताया कि जब वो कभी भी अपने राइटिंग पार्ट से सर उठा करके ऊपर की तरफ देखता तो वो देखता कि मिस्टर एम हैमल उस क्लास को पूरी तरह से कभी एक चीज़ को देखते कभी दूसरी चीज़ को देखते ऐसे देखते हुए ऐसा लग रहा था जैसे वो चीज़ों को अपने दिमाग में उनकी अमिट छाप बसा लेना चाहते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ आवर पार्ट एंड यू'ल हैव टू मेक योर सेल्फ रेडी एंड प्लीज पे योर अटेंशन टूवर्ड्स द एक्सप्लेनेशन पार्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर थर्ड पार्ट एंड इट स्टार्ट्स लाइक दिस। ओनली द डेस्क एंड द बेंचेस हैड बीन वॉन स्मूथ, द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन were taller and the hop vine that he had planted himself twined about the windows to the roof. How it must have broken his heart to leave it all, poor man, to hear his sister moving about in the room above, packing their trunks, for they must leave the country next day. फ्रेंड्स ने कई सारी चीज़ें उस क्लास के बारे में बताने की कोशिश की। उसने पहले तो ये बताया कि कैसे एम हैमल सारी चीज़ों को अपने मन में अपने दिल में बसा लेना चाहते थे, वो सारी चीज़ों को कैसे देख रहे थे। और सबसे बड़ी बात जो फ्रेंड ने बताई, उसने कहा कि वहाँ पर केवल डेस्क और बेंचेस थे जो रेगुलर यूटिलाइजेशन की वजह से बहुत चिकने हो गए थे, और वहीं पर बगल में अखरोट के बड़े पेड़ थे बागीचे में जो काफ़ी लंबे हो चुके थे, और वहीं पर होप वाइन एक तरह की बेल होती है जो खुद से मिस्टर हैमल ने उगाई थी वहाँ पर लगाई थी, और वो जो होप वाइन थी वो खिड़की से होते हुए छत तक पहुँच गई थी, छत तक चढ़ गई थी। और इन सब को छोड़कर उनका जो दिल था जाने के लिए कितना टूट गया होगा कि इन सारी चीजों को वो छोड़कर चले जाएंगे बेचारे। उनकी बहन को ऊपर घूमते हुए अपने जो ट्रंक्स थे उन सामान उसमें सामान पैक करते हुए सुना जा सकता था, हमने उसको सुना, वो भी नीचे बैठकर इन्हीं चीजों को सुन रहे थे क्योंकि अगले दिन उनको ये देश छोड़कर जाना होगा। यही ऑर्डर्स बर्लिन से आए थे। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बी बे बो बू एंड सो ऑन। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउसर हैड put on his spectacles and holding his primer in both hands spelled the letter with them. इन सब के बावजूद अगर हम कहें तो फ्रेंड्स में हर एक लेसन तक को लास्ट तक सुनने की हिम्मत थी, उसके अंदर ये साहस था। और राइटिंग के बाद उसने बताया कि उनका जो लेसन था वो हिस्ट्री से रिलेटेड था। फिर तभी बच्चों ने अपने बा बे बी बो बू द फ्रेंच लैंग्वेज इसमें अपने वर्ड्स को रिपीट करना शुरू किया। कमरे में पीछे जो बैठे बूढ़े हौसर थे उन्होंने अपने चश्मे पहन लिए और दोनों हाथों में अपना जो उनके पास उनकी बुक थी वो पकड़कर उनके साथ वो उन अक्षरों को बोल रहे थे। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, हिज वॉइस ट्रम्बल्ड विद इमोशन एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई। आह हाउ वेल आई रिमेम्बर इट दैट लास्ट लेसन। तब फ्रेंड्स ने कहा कि आप देख सकते थे कि वो भी रो रहा था, ओल्ड हॉसर भी रो रहा था, उनकी जो आवाज थी वो भावुक
भावुकता से पूरी तरह कांप रही थी और उनको सुनना इतना मजाकिया था कि हम सभी हंसना भी चाहते थे और रोना भी। आह भरते हुए उसने कहा कि मुझे ये कितनी अच्छी तरह से याद है, मेरा वो आखिरी सबक, मेरा अंतिम पाठ। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, देन द एंजेलिस। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्शियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडोज। एम हैमल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल। अचानक से चर्च की घंटी ने 12 बजाए और फिर प्रार्थना शुरू हुई। उसी समय अपने ड्रिल से वापस लौटती पर्शियन आर्मी जो थी, उसके बिगुल की आवाज़ हमारी खिड़की के नीचे सुनाई देती है। एमएमएल खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल पेल, बिल्कुल फीके पड़े हुए वो अपनी कुर्सी से खड़े होते हैं। और शायद मैंने, फ्रेंड्स ने कहा कि शायद मैंने इसके पहले उनको इतना लंबा कभी नहीं देखा। और तभी मिस्टर एम हैमल एड्रेस करते हैं क्लास के सभी लोगों को, कहते हैं, माय फ्रेंड्स, सेड ही आई आई बट समथिंग चोक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन। वो ऐसे कहते हैं, माय फ्रेंड्स, और उसके बाद उनके मुंह से जो शब्द निकलता है वो निकलता है आई आई, लेकिन इसके बाद वो आगे कुछ नहीं बोल पाते। उनका गला बिल्कुल भर आता है, वो आगे कुछ भी नहीं बोल पाते। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, टुक अ पीस ऑफ चॉक एंड पियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, विवा ला फ्रांस। तो वो फिर ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं, एक चॉक का टुकड़ा उठाते हैं वहां से और अपनी पूरी क्षमता, पूरी ताकत जो उनके अंदर बची हुई थी उसको इकट्ठा करते हैं, और उसको इकट्ठा करने के बाद उस बोर्ड पर बड़े बड़े शब्दों में लिखते हैं, विवा ला फ्रांस। विवा ला फ्रांस मीन्स फ्रांस जिंदाबाद। देन ही स्टॉप एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और उसके बाद वो रुक जाते हैं, अपने सर को दीवार से टिकाते हैं, एंड विदाउट अ वर्ड ही मेड गेस्चर टू अस विद हिज हैंड। और बिना किसी शब्द के कहे, बिना एक भी शब्द कहे, वो एक ऐसा गेस्चर बनाते हैं, वो एक ऐसा संकेत देते हैं हम सबके लिए कि स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, स्कूल अब खत्म हो गया है, आप जा सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस वन इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर, द लास्ट लेसन। हाउ यू हैड गॉन थ्रू विद ऑल दीज, हैव यू लाइक्ड इट और नॉट, एंड इफ यू हैव सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग दैट, प्लीज कम डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड यू मे आस्क, राइट? Okay, students, at the end of the session, I'm just providing you the summary of this chapter 1, the last lesson from Flamingo. Okay, so it is there in two numbers of slides, and you may find it out and you may go through with it, right? And I would like to request you all to please subscribe this channel. The channel belongs to Don Bosco School Basti, and press the bell icon so that you can get our further notifications regarding online classes and other subjects. So subscribe it, press the bell icon, and do enter your comments in comment section, because many more to come. This one was for you, for the betterment of your academic career. Have a nice day ahead. Keep yourself fit, fine, and healthy. Stay home, stay safe. Thank you, and have a nice day.